तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैंने आपको बहुत पढ़ाया, और अगर मेरा दिल टूट गया तो फिर आप सोच लेना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था या तो छेड़ना मत और अगर छेड़ दो तो छोड़ना मत, क्योंकि मारते मारते लड़कों का बंदर लड़कियों का बंदरिया बना दूंगा। इतना आपको पैसे लेके किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ। जितने नोट्स बना लोगे तो ए टू जेड सीरीज से बाहर पेपर नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इससे ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकता। रोज रोज इस बात को कितनी बार बोलूंगा, समझ गए। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो आप रोज किताबें खरीदोगे, कोई खरीदेगा ब्लैक बुक, कोई व्हाइट बुक, कोई सी मैडम की बुक, कोई से सर की बुक, हजार बुकें खरीद लेना, सबको ना ही पड़ेगा, और पढ़ा मैं रहा हूँ, जितना पढ़ा दिया इससे भी बाहर पेपर नहीं आएगा, तो जब पूरा पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो आना ही नहीं है, लिखवा के ले लो, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो, ये रेगुलर होने की बात की है। एग्जाम टाइम पे सब आएंगे, चूंकि बड़े चैनल है तो लोग टूट के पढ़ेंगे, अभी फ्री पढ़ने को मिल रहा है वो नहीं पढ़ रहे। और आपको बता दूं, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होगे या पढ़े होगे, एनडीए एसएससी किसी की भी तैयारी की होगी, इतना आपको पैसे लेके किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ, जितना मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ाया हो तो मुझे बता देना। क्यों नहीं पढ़ा सकता मैं बताता हूँ। एक कोचिंग वाले का ये होता है कि भैया 30 लेक्चर या 40 लेक्चर में पूरी इंग्लिश खत्म करनी है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, कोचिंग वाले ऐसे बिजनेस करते हैं कि 30 लेक्चर या 40 लेक्चर में पूरी इंग्लिश खत्म करनी है। भाई अब वो तुम जानो कैसे करोगे, उन्होंने अपना बिजनेस का वो बता दिया आपको फॉर्मूला, आप इसमें लगाते रहो दिमाग, ठीक है। आप बताओ 30 या 40 घंटे, यानी कि 30 लेक्चर यानी एक घंटे का एक लेक्चर, तो 30 या 40 घंटे में तो मैं ढंग से दो चैप्टर ना पढ़ा पाऊँ, इंग्लिश कैसे खत्म कर दूंगा और वोकैब कैसे कर दूंगा, तो मैं वही समझा रहा हूँ। लोग पैसा लेके, कोचिंग वाले आपका जंजाल बना रहे हैं पैसा लेके, ये चीज़ आपको जिस दिन समझ आएगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही तो आप लोग कभी एक चीज़ नहीं देखते कोचिंग के अंदर, आपने नंबर ऑफ सेलेक्शंस देख लिए, नंबर ऑफ सेलेक्शन तो देख लिया आपने कोचिंग के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ सेलेक्शंस तो देख लिए, पर आप एक चीज देखना भूल गए उस कोचिंग के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपने ये देख लिए होते ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, तो आपको ये पता चलता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ सेलेक्शन 1% भी नहीं है, और उस 1% में से जो बच्चा अपनी मेहनत से आगे निकल गया उसके नाम का हमने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि कोचिंग से टॉपर निकल गया, कोचिंग से ये निकल गया। फिर तुमने क्या मेहनत करी थी, तुमने मेहनत करी थी तो 99% का रिकॉर्ड दे दो ना, हम तो तब माने तुम्हें, तुम पे इसका रिकॉर्ड है नहीं है ना, क्योंकि सच्चाई ये है, क्योंकि ये सच्चाई है। और इस सच्चाई के बारे में अगर बात कर लो तो मुंह बन जाएगा लोगों का, क्योंकि सच कड़वा होता है, जहर की तरह पिया किसी से जाएगा नहीं, ठीक है ना। सबकी मार्केटिंग है, सबकी मैं आपको आज बता रहा हूँ, सबका एक ही काम है। हम जो देखो यार, उठते हुए सूरज को सब नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय बैठा हुआ है उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा, जिस दिन वो उठ जाएगा उसे सब पूछ रहे हैं। यार आप एक बात बताओ, जितने मोटिवेशनल चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं, आप किसी को भी उठा लो, एक्सपर्ट किसी को भी, है ना, जिन जिनके नाम हो गए वो उन्हें बुला के उनका इंटरव्यू करते हैं। अबे दम है तो मेरा इंटरव्यू करो ना, मैं आज उठा नहीं हूँ लेकिन कल उठूंगा अगर मेहनत करता रहा तो, क्योंकि मैं बुरा नहीं पढ़ाता, मेहनत करता हूँ और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इतना बुरा नहीं पढ़ा रहा कि जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, तो हमें तो फिर भी बहुत कुछ आता है। मुझे बुलाओ ना, मेरा इंटरव्यू लो, मेरा चैनल बढ़ेगा, तब मैं मानूं कि हाँ आपने एक ऐसे इंसान को पढ़ाया जो वाकई मेहनती था और वो थोड़ी कोशिश कर रहा था और वो आगे जा सकता था, है ना। दुनिया भर के यूट्यूब पर जितने बड़े बड़े नाम है सबको बुला लिए, सबके इंटरव्यू ले लिए, क्यों ले लिए, उसका जवाब सुन लो, क्यों ले लिए। जिनका नाम ऑलरेडी इतना बड़ा है, आप उनको बुलाओगे तो कम से कम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन आपके तुरंत व्यूज चले जाएंगे, गलत तो नहीं कह रहा। और मुझे बुला के मेरा इंटरव्यू कर लेना, अगर आप मिलियन तो छोड़ो, आप 20K भी सब्सक्राइबर, 20K व्यूज भी पकड़ लो तो बता देना, तो राजनीति मतलब होगी ना मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होगी, 10 मिलियन अगर व्यूज आ गए, 2 मिलियन अगर 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो सबसे पहले तो उनको ऐड नहीं बहुत दे दिया यूट्यूब से, बचा हुआ काम मेरे से क्या मिला, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो वही दिमाग है वो, समझ रहे हो। सब उठते हुए को नमस्कार कर रहे हैं, जो उठ रहा है या किसी वजह से नहीं उठ पाया उसे कोई नहीं पूछने वाला, तो सब राजनीति का खेल है, सब आपका हिंदी में बना रहे हैं। ये बात जिस दिन लोगों को समझ आएगी तब तक बहुत लेट हो चुका। मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से लग के यूट्यूब पर लाए आता हूँ, कोई दिन नहीं छोड़ता। किसी में दम है तो मेरा प्रमोशन करो ना, मेरे बारे में बात करो, जब मानूंगा तुम्हें, कोई नहीं करेगा, करेगा क्यों, उसको फायदा क्या है मुझे बढ़ा के, समझ रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी बड़े हुए उन चेहरों को चमकाने के लिए सब रोज बुला लेते हैं अपने चैनल पर, क्योंकि मार्केटिंग है,
मार्केटिंग, आप समझो ना, अगर 1 मिलियन व्यूज आएंगे तो 1 मिलियन के हिसाब से पैसा भी आएगा, यूट्यूब से पैसा भी तो मिलता है। सच है कोई कुछ भी बकवास करता रहो, यूट्यूब से लोग अरबपति हो गए, बिजनेसमैन हो गए, है कि नहीं। अब मुझसे क्या मिलेगा अगर 2,000, 5,000, 20,000, तो मैं बहुत बोल गया, जब मुझे कोई जानता ही नहीं तो मुझे तो लगता 5,000 व्यूज आ जाओ ये भी बड़ी बात है मेरा चेहरा देख के किसी के। और कल को ही मैं अगर एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया तो ये सारे मुझे बुलाएंगे एक एक करके, आप देखना, है ना। कल को मैं खूब अपनी मेहनत करके 2, 4, 5 साल मैंने खूब मेहनत करी, यूट्यूब पर खूब खिसा और तब मैं एक नाम बन गया, तब ये मुझे सारे बुला लेंगे। अरे भैया जो कोशिश कर रहा है उसे तो उठाओ, जो उठा उठाया उसको क्या बुला के कर रहे हो तुम, वो तो फिर वही चीज़ हो गई ना, मार्केटिंग कर रहे हो तुम। उन्होंने भी आके बता दिया मेरा एक बैच आ रहा है, इनडायरेक्ट प्रमोशन कर गए, तुमने भी बता दिया कि इनका ये कोचिंग चलता है, बच्चों जुड़ जरूर जाना, दोनों का म्यूचुअल कंसर्न था, पैसे के नाम पर दोनों खेल कर गए। तो यही कोचिंगों का खेल है, जंजाल है, जब तक समझोगे लेट हो चुके होगे, बट ठीक है, ये सच है। बस आप लोगों का एक चीज चाहिए सपोर्ट, वो आप बिल्कुल नहीं करे, कसम से नहीं करे। अगर आप लोग एक एक दो दो बच्चे भी पकड़ लो ना चैनल के लिए, एक एक दो दो भी, तो हम इस चैनल में आग लगा दें। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो दोस्तों, क्यों नहीं चाहते भगवान जाने, शायद आप इसलिए नहीं चाहते कि ज्यादा क्राउड होगा तो सर ऐसे हो जाएंगे। तो भैया अपने पे तो जितने लाइव आते हैं आपको दिख रहे हैं, है ना, आपको पता है दूसरे चैनल पे जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे तो 50-55 तो कम से कम लाइव आ जाते हैं ना, कम से कम उतने लाइव तो रहते हैं। मैं तो, आपने वहाँ भी मेरी नेचर देखी है, मैं तो वहाँ भी उसी नेचर में हूँ, मैं तो वहाँ भी कमेंट्स लेके ही पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बदल जाऊँगा। बट हाँ, मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हर बंदे के टच में आप किसी चैनल पर पढ़ते होंगे ऑनलाइन, आपके पास इतने सारे सो कॉल्ड ग्रुप्स होंगे, तो अगर आप चाहो थोड़ा थोड़ा भी शेयर करो और चैनल्स वगैरह पे डालो, तो कहीं ना कहीं हम बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, आप लोगों का है, आप नहीं चाहते, आपको दुनिया भर के लोग यूट्यूब पे या मतलब वो कोई पेज वेज बने रहते हैं कि कहाँ से इंग्लिश पढ़ें, किससे पढ़ें, कई लोग कई जगह क्वेरी डालते हैं, तो आप वहाँ चाहो तो अपने एक आध वीडियो डाल सकते हो या बोल सकते हो कि यार उस चैनल पे एक बार चले जाओ, तो चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट आपका मन है दोस्तों, मैं क्या ही कहूँगा आपसे, क्योंकि आप, क्योंकि और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पैसा तो मैंने आपसे मांगा नहीं, तो अगर गुरु और दक्षिणा की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो आप देख लो, अगर आपको लगता है तो कर दिया करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।